हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, वो भी क्लास 8 का। ठीक है, चैप्टर है आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि व्हाट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। हम लोग यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वैसे नंबर जिन्हें हम ए बटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ ए और बी हो वो इंटीजर नंबर हो। इंटीजर नंबर आप जानते हैं कि वो इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है, जिसमें बीच में जीरो और इधर माइनस वाला और इधर प्लस वाला सब अंक यानी कि नंबर आता है। ठीक है, तो फॉर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए एक मिनट, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, जैसे लिखा गया है एग्जाम्पल में 5/7, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है -4/5। जैसे आप देख रहे हैं -4/5 दिया गया है। यहाँ पर जो ऊपर में आपको ये 4 दिखाई दे रहा है माइनस में, ये हमारा एक इंटीजर है, और नीचे जो 5 है ये भी हमारा इंटीजर है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इंटीजर नंबर का हुआ मतलब हिंदी उसका पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाला भी आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगा। उसके बाद एक और आपको दिया गया है यहाँ पर 7/-4। ठीक है, तो जहाँ आपको 7/-4 दिखाई दे रहा है, कभी भी क्या होता है मैथ में कि गणित में जो आपका माइनस जो दिया रहता है नीचे डिमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, इसको 7 को हम लोग बोलेंगे न्यूमिनेटर, और जो नीचे आपको -4 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपको फ्रेश दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो आपका नंबर है 7/-4। ठीक है, तो जो 7 है वो हमारा ये क्या है, न्यूमिनेटर है। ठीक है, न्यूमिनेटर यानी कि हिंदी में बोले तो अंश है। क्या है, अंश है। और नीचे में जो आपका 4 है -4, ये हर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में जो है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एग्जाम्पल में इसका, कि लास्ट में दिया गया है -6/11। तो -6 भी आपका इंटीजर है और -11 भी आपका इंटीजर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अब पॉजिटिव नंबर के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज अ सेड टू बी अ पॉजिटिव इफ़ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यहाँ पर बोला गया ये कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, यानी धनात्मक परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसमें अंश और हर, ठीक है, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया है 5/7। जो 5/7 है, जो ऊपर में आपका न्यूमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, यानी ऊपर अंश है नीचे हर है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है आपको, पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें नेगेटिव आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। और एक और क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पर दिया गया है -2/-3। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, तो न्यूमिनेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस कट के कितना हुआ, 2/3, जो कि हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप हम लोग, अब देखते हैं हम लोग निगेटिव। ठीक है, किसको देखेंगे अब हम लोग, हम लोग अब देखेंगे अब निगेटिव को। ठीक है, चलिए निगेटिव रेशनल नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया अ रेशनल नंबर इज शेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। यदि निगेटिव रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिनका
जो जो साइन है अपोजिट हो, यानी कि प्लस हो तो एक माइनस हो, एक माइनस हो तो एक प्लस हो, ठीक है। एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पर देखते हैं। यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार, ये चैनल का नेम है, ठीक है। आप सर्च करके यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, साइंस हो, इन सब का आपका वीडियो आता रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, देखिए आपको एग्जाम्पल क्या दिया गया है, -4/9। आपको बोला था क्या ना, साइन अपोजिट हो, यानी न्यूमिनेटर का देखिए, तो न्यूमिनेटर का माइनस है और डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, कोई दिक्कत? तो ये अपोजिट साइन है, तो ये सारे जो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सबका अपोजिट साइन है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। चलिए अब आते हैं नीचे में, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर होते हैं, जो परिमेय संख्या होते हैं, उनका तीन प्रॉपर्टीज है। तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चलिए पहला प्रॉपर्टीज है, इफ ए बटा बी इज अ रेशनल नंबर एंड एम इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन ए बी बराबर ए एम बटा बी एम, इतना, ठीक है। छोड़िए इसको, क्या बोला है उसको समझाते हैं अब आपको, अब हम लोग को समझना है, थोड़ा समझ लेते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। चलिए चलिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि यहां पर दिया गया है a बाई बी इक्वल a बटा m, ठीक है, सॉरी m नहीं b है, ए बटा बी जो मल्टीप्लाई किया है दोनों में, एम एम सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इसमें यही आपको बताया गया कि कोई भी आपको रेशनल नंबर दिखाई दे, उसके उप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पर आपको 7/3 ले लीजिए और इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इसमें चेंज मतलब कि ये आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये आपका सही होगा, क्योंकि जब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये आपका सेम टू सेम इसका समतुल्य, जिसको बोलते हैं हम लोग कि समतुल्य हिंदी में बोलते हैं ना, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वही आता है, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपको, सच रेशनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कहीं भी आपको किसी भी नंबर में, ठीक है, रेशनल नंबर हो, यदि ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपका इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहीं पर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जब बनाएंगे बुक का तो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहीं पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया गया है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर जो नंबर दिया इसी को लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है -3/4, इसे हमें इक्विवेलेंट करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट इसके नंबर यानी कि 4 ठो या 3 ठो जितना भी हो, तो -3 लिखिए, 4 इसमें 2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो कितना होगा, 3 6 -6 4 2 8, ये हमारा एक हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा पर चलते हैं, फिर मान लीजिए यही नंबर दिया गया आपको -3/4 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये आंसर हो जाएगा 9 -9 नीचे में आपका 12, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे आपका प्रॉपर्टी नंबर दूसरा प्रॉपर्टी को देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। चलिए जो दूसरा प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पर दिया है, इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर एंड एम इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी देन ए बाई बी बराबर इतना। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, कॉमन डिवीजर मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपको समझाते हुए चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे।
देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 40/8, ठीक है, इसको ऐसा से भाग दिया जाए, जैसे हम लोग अभी देखे ना ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो सेम उसी तरह ऊपर नीचे हम डिवाइड भी कर सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो चलिए यहाँ पर भाग कर देते हैं, भागा 8 और नीचे भी भागा 8, इसको कीजिए कितना होगा, 8 × 45, 8 × 8 यानी 5/1 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह आपको ये जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है सेम टू सेम यही है कि कॉमन डिवीजर आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपका आंसर या कुछ भी गलती होने वाला चांस इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, आप तीसरे स्लाइड में अब चलते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए फिर से एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है क्या दिया गया है, देख लीजिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 32/40 दिया है, -32/40, इसमें क्या किया गया है माइनस यहाँ पर कर, सॉरी डिवाइड कर दिया 8 से और नीचे भी डिवाइड कर दिया 8 से, 8 से कीजिए 8 × 32, 4 × 8 = 40, यानी कि 4/5 माइनस का है जो माइनस आ गया, तो हमारा आंसर आ गया -4/5। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर पर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, रेशनल नंबर ए बाई बी इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 एंड बी इज इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर यही बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 12/8, ठीक है, यदि इनके बीच में कोई भी यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आपको कॉमन ना मिले एक को छोड़ के, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और ध्यान रहे कि जो जो न्यूमिनेटर है नीचे जो बी दिखा गया है बी पॉजिटिव, तो जो हमारा नीचे है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसका हम देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से देखिए, यदि देखना होगा हमें कि क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ये नीचे 8 है ऊपर 12 है, तो कटाते हैं 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3/2 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका रेशनल नंबर का, क्योंकि इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कॉमन है। ओके, देख सकते हैं आप ध्यान से। चलिए और एक क्वेश्चन को देखेंगे, यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा होता तो, ठीक है, तो ये जो माइनस वाला है इसमें जो माइनस का जो फंडा है ये देख लेते हैं, इसमें भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, समझा देते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐसे दिया होगा 4/-8, तो हमने क्या सीखा अभी कि जो हमारा बी है जो हमारा न्यूमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके तब इसको बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, तो -4/8, तब देखिए तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं 4 × 4 = 8, यानी कि -1/2 हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलिए यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग रिवाइज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब है आपका तीसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है इसको अभी देख लेते हैं हम लोग। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी है लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू रेशनल नंबर देन इतना, ठीक है, यानी ए बाई बी बराबर सी बाई डी इक्वल हो जाएगा ए गुणे डी और बराबर बी गुणे सी को। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा बात नहीं है, देखिए देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 5/4, ठीक है, इक्वल है 3/5, ठीक है, तो इसको हम इसको आप ठीक है ना कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे ये 5/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से 4/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 5/5 को करेंगे तो 5 × 5 = 4, यानी कि 4 × 3, ये हमारा यही हमारा प्रॉपर्टीज दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपेरिजन कैसे करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कंपेरिजन कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, ये भी देखना जरूरी है। तो पहला है नंबर एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ ग्रेटर देन 0, यानी जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है,
जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। और नेक्स्ट फिर देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर दूसरा यहाँ पर दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है कि एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर लेस देन जीरो, और जो नेगेटिव जो आपका रेशनल नंबर होता है वह जीरो से लेस होता है, इसको ध्यान रखिएगा नोट में, ठीक है। अब जनरल अवे में हम लोग देख लेते हैं मेथड कंपेयरिंग करने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिमिनेटर, उसका जो डिमिनेटर नेगेटिव नेगेटिव में हो तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, यानी जो नीचे में जैसे मान लीजिए माइन यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 4/8 और माइनस में नीचे है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, जो कि आपको अभी पॉजिटिव बता दिए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिए थे कैसे आपको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पर, टेक द एलसीएम, ठीक है, टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिमिनेटर, जो आपका नीचे जो डिमिनेटर दिया है जो पॉजिटिव हो चुका है उसका हम एलसीएम लेंगे, और जैसे हम लोग एलसीएम निकाल के बटा पर जोड़ करते हैं ना, यानी कि फ्रैक्शन का ऐड, सिंपल उसी तरह आपको कर देना है, ठीक है, और आपका वहाँ से आपका कंपेयर हो जाता है, ठीक है। तीसरा आपको बोला गया, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर ऑप्टेन इज अ स्टेप वन विथ एलसीएम एज द कॉमन डिमिनेटर, अब यहाँ पर जो भी आपका कॉमन डिमिनेटर आया है, ठीक है, उसको मतलब आप एलसीएम करके बटा पर जोड़ करते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और फोर्थ बोला है द नंबर हैविंग नो ग्रेटर Having the greater numerator is a greater. अब यहाँ पर बोला गया है कि देखिए यहाँ पर सेम जैसे एलसीएम हम करेंगे तो नीचे का जो कॉमन डिमिनेटर दोनों कॉमन हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा, तो नीचे यानी डिमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो न्यूमिनेटर बड़ा होगा, तो वही हमारा बड़ा कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर का हमारा न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर सेम हो जाता है, तो जो डिमिनेटर में छोटा होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्वेश्चन के व्यू से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक नंबर आपको दिया गया है विच ऑफ द नंबर -3/4 और -5/6 इज ग्रेटर, ठीक है, इनमें से ग्रेटर कौन है यही हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। चलिए -3/4 है, -3/4, ठीक है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, देख लेते हैं, -3/4, ठीक है, और आपका क्वेश्चन क्या है, -5/6, ये आपका 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, एलसीएम लीजिए डिमिनेटर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तब पॉजिटिव करते हैं, वैसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए तो इसको 4/6 को कर लेते हैं, पहले एलसीएम लीजिए 4/6 को, कितना हो जाएगा, आई थिंक 12 हो जाएगा, ये -9, यानी ऐसे किए हैं दोनों कैल्शियम दे दिए 12, 4 से जो ये 4 दिया गया है इसे हम इसमें भागा दिए, कितना बार काटा, 3 बार में, तो 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, तो इस 3 में 3 को मल्टीप्लाई किया था, 3 का 9 -9 और लिख दिए, फिर इसी तरह इसको करें 6 × 12, 2 × 5 = 10, -10, तो इसको हमारा जैसे था उसको दे देते हैं -9/12 और -10/12, ठीक है। अब यहाँ से कटाते हैं इसको, कटाना है तो कटाइए, नहीं छोड़ दिए, नहीं कटाइए। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अब यहाँ तक तो आ चुका है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे है देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो नीचे में आपका इक्वल हो गया ना, न्यूमिनेटर इक्वल हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अब न्यूमिनेटर में जो बड़ा हो तो ये बताइए माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो हमारा -9/3 क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो इसका देख सकते हैं कि -9 ये किसका है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका माइनस ये वाला जो है -9/12 वो है इसका है -3/4 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -3/4 ग्रेटर देन -5/6, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने स्लाइड में चलते हैं और ऑन द बोर्ड, अब बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड पर चल के देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, कुछ एग्जांपल भी है इसका, एग्जांपल भी बनाएंगे और बुक का एक्सरसाइज 1 भी बनाएंगे, ओके। तो चलिए चलते हैं अपने, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो कि रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का है और पहला चैप्टर है, जो कि इसके पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे
जो कि हम लोग प्रॉपर्टी देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जो बुक है आपका आर एस अग्रवाल है, ठीक है, जो आपका बुक है वो आपका आर एस अग्रवाल का बुक है, ठीक है, क्लास एट का। और ध्यान देंगे इसमें हमको एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सप्रेशन, ठीक है, 33 / -44 है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको बता दिया गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो कि दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो ये माइनस है नीचे में न्यूमिनेटर, सॉरी जब आपका डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में करते हैं, ठीक है। तो इसको 33 - -44 * -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -33 और नीचे में आपका -(-) हो जाएगा 44। ये हमारा आ गया अभी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शायद 11 है, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसको 11 से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, गलत किया, 33, यानी कि माइनस में 3, 11 जो का 44, -3/4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब चेक कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को न्यूमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी हिंदी में इसको अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर कहते हैं और इसको डी न्यूमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर। तो इन दोनों में कोई भी शब्द इसमें मतलब कोई भी आपका नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, एक को छोड़कर, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है व्हिच, दूसरा एग्जांपल है व्हिच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है इसको देखना है। तो सबसे पहले अपन वही काम करेंगे कि जो भी आपको न्यूमिनेटर में, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जैसे 3/-4 * -1 * -1 ये आपका होगा -3/-4, चेंज हो चुका है। और आपका एक क्वेश्चन है आपका -5/6। अब इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसमें कौन सा आपका चेंज हुआ है, सॉरी इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा आपका ग्रेटर है और कौन सा आपका स्मॉलर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अब यहां से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका दो स्टेप है, इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। मेथड दो तरीके बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए। मेथड वन में एलसीएम द्वारा ये जो आपको क्वेश्चन है लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए -5/6। और यहां पर क्या करेंगे कि आप एलसीएम निकालिए, जो भी नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है, हर में दिया गया है, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 और 4 का, तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, ये 4 सीजर, यानी जैसे आपको फ्रैक्शन का ऐड आता है ना, बटा पे का जोड़, ठीक उसी तरह करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। 3 बार में ही कटेगा, 3 3 का 9, ठीक है, और है तो और लिखिए, 6 दिन बाद 2 5 10, ये हो गया माइनस में 10। अब नीचे आते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो दोनों के लिए है दोनों को हम बांट देंगे, -9/12 और 10/12। ऐसा हमने क्यों किए, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को हमें इक्वल करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि कौन इसमें ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है इक्वल हो चुका है। अब जैसे ही इक्वल हो गया, जो आपका न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा। तो बड़ा यहाँ पर 9 है, -9, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप -9/12, ठीक है, तो इतना, ठीक है। लेकिन हमारा असली इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है ये, तो -3/4, ठीक है, ग्रेटर देन 5, -5/6, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं और एक एग्जांपल इसका देखते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पर, ठीक है। देखते हैं इसको भी हम लोग, देख लेते हैं, जो कि अरेंज द नंबर -3/5
सेवन बाई माइनस टेन एंड माइनस फाइव बाई एट इज असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा लिखना है उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि जो यहाँ पर माइनस है वो कहाँ है, डिमिनेटर में है, ठीक है। तो इसको डिमिनेटर में चेंज करते हैं, ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप इसमें से कर सकते हैं सेवन बाई टेन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट बार हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो इसको रूल द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बिना रूल को नहीं चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसको, सेवन बाई माइनस टेन है, इसको हम लोग माइनस वन इंटू माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना आ जा रहा है, तो आपका ऊपर आ जाएगा माइनस सेवन, नीचे आपका टेन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन जाता है, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। माइनस थ्री बाई फाइव, उसके बाद है आपका सेवन बाई टेन, माइनस में है, ठीक है, एंड आपका तीसरा है जो माइनस फाइव बाई एट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही आपको एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, टेन एट और फाइव का, टू से लेके चलेंगे सबसे पहले, पांच दुना दस, चार दुना आठ, पांच का पांच ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फाइव से, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, यानी कि आपका जो एलसीएम होगा चालीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा चालीस, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे अपना एलसीएम 40, ठीक है। इससे करेंगे तो 8 बार में 8 का 24, 10 से करेंगे तो 4 बार में 7 का 28, माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 5 40, 5 50, 25, यानी कि आपका माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी से सबको दे देंगे, जो भी है जिसका है उसको दे देंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए दे दीजिए इसको, तो जैसे आपका यहां पर हो जाएगा माइनस 24 बाई 14 माइनस 28 बाई 14 40, ठीक है। और यहां पर आपका हो जाएगा माइनस 25 बाई 40, ठीक है। अब इसमें हमको सजाना कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले छोटा। तो देखिए नीचे में आप देख सकते हैं कि डिमिनेटर इक्वल है, तो डिमिनेटर में जो छोटा होगा उसी को पहले लिखेंगे। तो माइनस में क्या होता है ना, कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि माइनस लगा है, जितना बड़ा नंबर होता है और माइनस लग जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा 28 है और इसके पहले माइनस लग गया, सबसे छोटा हो गया, तो लिखेंगे माइनस 28 बाई 14, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं और इसे मान को लिखेंगे, सबसे पहले इसको अपने अनुसार, यानी कि अपने सुविधा अनुसार इसको पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो नहीं तो डायरेक्ट आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट लिखिए, ये सबसे छोटा ये है, तो इसका मान क्या है 7 बाई 10, और इस उसके बाद है 25, तो 25 वाला ये है माइनस 5 बाई 8, एंड लास्ट टाइम का बच गया माइनस 3 बाई 5, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए यहां तक तो समाप्त हो चुका है, अब देखते हैं अपना एक्सरसाइज वन का ए, ठीक है। एक्सरसाइज वन ए में हम लोग देखेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर आ गया होगा, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर में, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस, ठीक है, माइनस 3 बाई 5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिमिनेटर, ठीक है। यानी कि आपको डिमिनेटर दिया रहेगा, ठीक है, आपको क्या दिया रहेगा, डिमिनेटर दिया रहेगा, आपको करना क्या है देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर माइनस 3 बाई 5 दिया गया है, ठीक है, ओके। और यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है कि एक यहां पर पहला नंबर आपको दे दिया है 20, जो कि 20 हमको क्या दिया गया है, डिमिनेटर दिया गया है, क्या दिया गया है, डिमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिमिनेटर दिया गया है, तो 20 डिमिनेटर है। अब हमें ये डिमिनेटर जो है इसी को निकालना है, तो इसको मान लेंगे x, ठीक है। अब ये आपको इधर भागा में, इधर जाएगा गुणा में होगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 60 माइनस 60, नीचे 5 का 5, और ये डब्बा में जो आपका एक्स है एक्स ऐसी रहेगा, ठीक है, 12 5 60, यानी कि माइनस में 12 आपका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर, ठीक है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका दूसरा नंबर है माइनस 30, तीसरा है 35 और 40 में, सॉरी 4 में है माइनस 40, ठीक है। तो ये आपको न्यूमिनेटर दे दिया गया, ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर दे दिया है आपको, ये निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये नीचे का नीचे था,
डिवाइड से हमने कटा दिया और x बराबर जो आ गया ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू के तरफ चलेंगे, तो इसको इरेज करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। ठीक है, तुरंत आपका क्वेश्चन नंबर टू लग जाएगा, देख लीजिए आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर टू में है एक्सप्रेस माइनस 40 बाई टू बाई ठीक है 98 एज अ रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर 7, यानी कि यहां पर डिनोमिनेटर 7 दिया गया है। ठीक है, तो माइनस 42 बाई 98 ठीक है इक्वल में आपको इक्वल कर दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे इक्वल इसलिए दिया जाता है ना क्योंकि यहां जो भी इसके इसके आगे वाले जो भी आते हैं सब इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट आपको पहले से बता दिया गया है कंसेप्ट में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट में आप देख सकते हैं यहां पर आपको डिनोमिनेटर दे दिया गया 7, यानी हमें 7 पता है और हमें न्यूमिनेटर निकालना है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर निकालते हैं, यहां पर मान लेंगे एक्स। ठीक है, और फिर उसी तरह इधर आपका डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, माइनस 42 इंटू 7 और डिनोमिनेटर आपका 98 हो गया इक्वल एक्स, यहां से आप कटा सकते हैं। ठीक है, आप कटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर कटा सकते हैं, 2 से कटेगी ना, 21 दुना 42 ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका 4 दुना 9 दुना 18 49। ठीक है, ये 7 7 49 7 9 7 3 का 21, यानी कि x बराबर 3, x बराबर माइनस में 3 क्योंकि माइनस भी है, तो माइनस 3 इसका न्यूमिनेटर आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है माइनस 12 बाई 30, इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है, एक्सरसाइज सॉरी उसका जो एग्जाम्पल था पहला उसी में बता दिए थे कि दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए, तो जो कॉमन इसको हटा देते हैं, तो देखते हैं इससे कितना से दिया जाए, 6 से। ठीक है, 6 से भाग दे दिया जाए सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे यहां पर, एस ऑल वी सॉल्व माइनस 12 बाई 30 डिवाइड 6 डिवाइड फिर नीचे में भी डिवाइड 6 क्योंकि ऊपर नीचे जो भी करना है गुणा करना ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग करना ऊपर नीचे कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट के एक हो जाएंगे, बात बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही करेंगे कितना होगा, 6 गुना 12 6 5 30, 2/5 माइनस था इसका माइनस इसी के साथ रहेगा और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जो भी आपका एक्सप्रेशन जो भी आपका एक्सप्रेस करना है फोर्थ में, जो भी क्वेश्चन है दूसरा तीसरा चौथा आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 की तरफ चलते हैं, 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हुए देखते हैं। ठीक है, जो आपका 5 क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, जो कि आपको यहां पर पेयर दिया गया है, ठीक है, जोड़ा दिया गया है और इसमें जो बड़ा है वो लिखना है। ठीक है, अब बताइए, तो यहां पर एक जीरो है, ठीक है, और यहां कुछ अंक है, तो हमेशा देखिए इसको आप समझिएगा, जीरो है तो कभी भी जीरो से तो बड़ा ना होगा, ये भाग करके भी देख सकते हैं आप, यहां 3 है 8 से ले चलिए 0.30 आ गया, फिर 8 से 3 का 24 0.3, तो 0.3 क्या है, जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो ये सब तो क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा 3/8 ग्रेटर होगा और 0 लेस होगा। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे पांचवा है 2/3 और 3/4, तो इसमें आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, जैसे बटा पर जोड़ करते हैं ना, फ्रैक्शन का ऐड उसी तरह करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 6 नंबर पर। ठीक है, 6 नंबर भी इसी पर है,
जैसा दिया गया, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, इसमें पेयर दिया गया है, ठीक है। जैसा छवा का देखने के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं छवा का, ठीक है। देखिए जो सिक्स नंबर है इसमें का पहला क्वेश्चन आपको है -4/3 और -8/7, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 17 का 21, 27 का 28 -28 और यहाँ पर 3 का 24 -24, इसको फिर दे देंगे -28, 21, ठीक है, -24, 21, क्योंकि ये दोनों क्या है तो दोनों को हम दे दिया अलग अलग, ठीक है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इक्वल हो गया, ऊपर में माइनस वाला है तो माइनस वाला जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, इसका मतलब ये छोटा है ये बड़का है, ठीक है। तो बड़का वाला 8/7 है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं -4/3, ठीक है, लेस देन -8/7, यानी जो हमारा 8 -8/7 है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये रहा आपका 6 तक का क्वेश्चन, तो 6 तक का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर, ठीक इसी पर है, ठीक है। 7 नंबर है फिल इन द ब्लैंक विच द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन, ठीक है। तो ऐसे ही दो क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर यदि इसे इसी तरह बनाएंगे, ठीक है, एलसीएम लेकर बनाएंगे, यदि इक्वल आ गया तो इक्वल का साइन, यदि जो ग्रेटर हो गया ग्रेटर की तरफ, जो आपका लेस है उसकी तरफ लेस कर देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद है 8वां नंबर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 8वां नंबर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। 8वां 9वां नंबर आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है। 8वां असेंडिंग ऑर्डर है जो कि यहाँ पर बताए हैं हम, देख सकते हैं आप, अरेंज द नंबर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये वाला इसी पर क्वेश्चन पर बनेगा। डिसेंडिंग का मतलब समझते हैं घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं उसके बाद धीरे धीरे से छोटा से, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो कि 8 नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है, 9 तक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आपको समझा दिया जाएगा, ओके, गुड बाय। कंसेप्ट पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट को ध्यान देना है सबसे पहले, तब बनेगा क्वेश्चन।